मैं माता कमीनी जी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? मैं तो इस घर का रास्ता भूलना चाहती हूँ पिंकी जी, पर बच्चे भूलने नहीं देते। और वैसे भी अब तो हम लोग रिश्तेदार हैं, तो आना जाना तो पड़ेगा ही, खास तौर पर दुख और तकलीफ में। शिवाय और अनिका के बारे में सुना मैंने, बहुत दुख हुआ। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अनिका के यहाँ रहने या ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने तो सुना था कि ओबराय खानदान में कभी तलाक नहीं होता। और वैसे भी इस खानदान का ये पहला तलाक है, तो मुझे लगा कि सब लोग बहुत दुखी होंगे। और वैसे भी अनिका इस घर की बड़ी बहू थी, बेचारी कितनी अच्छी थी, और शिवाय भी कितना खुश था उसके साथ। फिर पिंकी जी, ऐसा क्या हुआ कि शिवाय, कैसे हो बेटा? वेरी गुड, आप यहाँ कैसे? मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ, सोचा इतने दिन हो गए हैं शादी किए हुए, तो अब बहू को अपने घर जाना चाहिए, बस उसे ही लेने आई। कामिनी, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम। हमारे घर में इतना कुछ हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका को कुछ दिन यहीं रहना चाहिए। एक मिनट बड़ी माँ, आई थिंक हमें प्रिंकू से पूछ लेना चाहिए वो क्या चाहती। प्रिंकू, क्या चाहती हो तुम? अभी ससुराल जाना चाहती हो और कुछ दिनों बाद? भैया, कामिनी आंटी मुझे खुद लेने आई है, तो मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। कूल देन। चलो ना साहिल, मिस बुला रही है। मैं अनिका दीदी का वेट कर रहा हूँ, वो मेरा सामान लेके आने वाली थी। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ओके, बस यही रोक दीजिए। मुझे पता था आप मुझे बाय करने जरूर आओगे। आना ही था, तुझे तेरा सामान भी देना था। इसमें वो सब कुछ है जो तुझे अपनी ट्रिप के लिए चाहिए। ओके, थैंक यू एसएसओ, आप बहुत अच्छे हो। प्रॉमिस कर, शिमला जाके रोज मुझे फोन करेगा ताकि मुझे पता चल सके तू ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा। क्या? यही रहने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रॉमिस के बगैर भी आप मेरी अनिका दीदी का पूरा ख्याल रखोगे, है ना? मारिया अनिका दीदी है कहा? पता नहीं, उन्हें कुछ हो गया तो। मेरे होते हुए अनिका को कुछ नहीं होगा। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो एक बार खोल के तो देख ले कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया जो तुझे चाहिए था, वो सब है कि नहीं। मैंने शिवाय के साथ इतना बुरा किया, लेकिन शिवाय फिर भी यहाँ साहिल से मिलने आए हैं। अब बहुत अच्छे हैं शिवाय, काश ये दुनिया भी आपकी जितनी अच्छी होती। वाह, फ्रिस्बी, चॉकलेट्स, वेफर्स, इसमें तो ये सब कुछ है जो मैंने मंगवाया था। आपको सब याद था? हो गई पैकिंग? चल रही,
ओके चेक कर लो सब ले लिया ना एक बार वन से शिवाय आप ना साहिल को बिगाड़ दें उसने एक छोटे से कैंप के लिए 50 चीजें क्या बोल दी आप सारी ले आए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी नहीं एक सेकंड बच्चों की डिमांड्स पूरी करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं ये कहां का लॉजिक है हां बिल्कुल क्योंकि बच्चे कुछ भी मांगते हैं वो ब्लैकमेलर होते हैं कुछ भी बोलेंगे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी हर जिद पूरी की जाए अनिका बच्चा है वो यार बच्चा है लेट हिम लिव हिज चाइल्डहुड मतलब उसे लाइफ लेसंस देने की अभी से जरूरत नहीं है ओके पियोगी जूस एक मिनट तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उसको बिगड़ने दूं यही प्रॉब्लम है तुम्हारी तुम ना किसी को बिगड़ने नहीं दे मुझे बिगड़ना है शिवाय मुझे बहुत सारी पैकिंग कर करते हैं ना मुझे पैकिंग करनी है आप कीजिए पैकिंग में जाते अनिका दीदी कहाँ रह गई वो भी तो मुझे बाय करने आने वाली थी सो सब ठीक है ना हाँ मैं अनिका दीदी ठीक है एक्सक्यूज मी साहिल बेटा चले लेट हो रहा है लेकिन अनिका दीदी तुम्हें जाना चाहिए बस निकल जाएगी सर आप ये रख लेंगे और रोज मुझे फोन करना बाय साहिल अनिका दीदी अनिका दीदी आप एसओ के साथ क्यों नहीं आए आप रो क्यों रहे हो तू जा रहा है ना इसलिए रो रही मैं तो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ और 2 हफ्ते तो ऐसे निकल जाते हैं सर तू अपना ध्यान रखना खूब मजे कर खेलना कूदना सब कुछ और हाँ शरारत मत करना मुझे फोन कर याद से ऐसे सो भी अभी यही बोल रहे थे मुझे फोन करना उनको फोन कर लूंगा तो आपसे भी बात कर लूंगा नहीं तू मुझे मेरे फोन पे फोन कर लेकिन क्यों बस तू जाओ ठीक है मिस करना मुझे अरे तू बहू का सामान लेकर अंदर नहीं आया जा इसका सामान लेकर आ और अपने कमरे में रख दे अरे सुन और आज से आदत डाल ले कि बहू का सारा काम तुझे खुद करना है इसके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ जिंदगी भर के लिए क्या बात है तू तो अभी से जोरू का गुलाम हो गया क्या मौसी मैं बैग्स लेके आता हूँ तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती आंटी थैंक यू सो मच आपने सब कुछ भुलाकर और मुझे एक नया मौका दिया क्या किसने कहा किसने कहा कि मैंने सब कुछ भुला दिया और अभी क्या कहा तुमने थैंक यू तो ये याद रखना ये तुम्हारा आखिरी थैंक यू था क्योंकि आज के बाद अगर तुम कुछ बोलोगे तो सॉरी बोलोगे तुम्हें अपनी बहू मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम्हें दुख दे सकूं तुम्हें परेशान कर सको ओबरॉयस का बदला तुमसे ले सको अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी और हाँ भूल कर भी अगर तुमने रणवीर और शिवाय को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ
अरे भाई साहब किधर ध्यान है तुम्हारा? अरे किधर मगन हो? ओ भाई तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर मैंने अभी कहीं ठोकोक दिया होता ना तो तुम तो चढ़ गए थे मुझ पर राशन पानी लेके। एक बात बताओ, तुम अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हो भाई? आए कुछ गड़बड़ हो जाती ना तो अपनी गलती नहीं मानते, उल्टी 10 कमियां मुझ गरीब में निकाल देते। अरे भाई क्या हुआ? अरे होने वाला था भाई, होने वाला था। अरे वो तो मैंने ठीक टाइम पे ब्रेक मार दिए। अरे नहीं तो ये भाई साहब तो मस्त गाड़ी खड़ी करके बीच में खड़े हैं रोड पे, हैं? और फिर पब्लिक बोलती है कि ऑटो वाले देख के नहीं चलाते। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हेलो। शिवाय इस आदमी को पलट के जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे किधर चल दिया वो? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी उनका धक्का मारने की? जानते हो वो कौन है? बंदा चुप खड़ा है, कुछ कह नहीं रहा है, तो मतलब तुम्हें समझ नहीं आता कि वो परेशान है? हाँ लंडे का बहुत शौक है ना, मेरे साथ लड़ाई करो। चलो रुद्र, शिवाय ठीक नहीं है, उन्हें कुछ तो हुआ है। प्लीज जल्दी जाके देखो क्या हुआ है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर प्लीज देखो जल्दी। भाभी मैं देखता हूँ, आप प्लीज होल्ड कीजिए। हाँ मैं होल्ड पे हूँ। हाँ भाभी मैं चेक करता हूँ। भैया दरवाजा खोलिए। भैया दरवाजा नहीं खोल रहे। तो रुद्र तोड़ दो, प्लीज प्लीज दरवाजा तोड़ दो, लेकिन प्लीज देखो क्या हुआ है, शिवाय को अकेला मत छोड़ो प्लीज। हाँ भाभी। भैया दरवाजा खोलिए। भैया सारे टेस्ट और वाइटल्स आर एब्सोल्युटली फाइन, बट इस कार्डियक इरेगुलरिटी की वजह अब तक समझ नहीं आ रही। मैं समझ गया। दिल की धड़कन जब दिल से दूर हो जाए तो दिल कमजोर हो जाता, पर भैया का दिल कमजोर नहीं पड़ा, टूट गया। ओ मैं माता, कैसी बेफजूल की बातें कर रहे हैं? कोई हार्ट ब्रेक्स नहीं हुआ मेरे शिवाय का, चुप कर। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं छोटी मां, सबको दिख रहा है भैया की हालत किस वजह से है, ये सब जानते हैं, और शायद आप भी। डॉक्टर ने क्या कहा? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? लेकिन शिवाय अपनी दवाई लेना कभी नहीं भूलते हैं, तो फिर अटैक कैसे आया? भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं भैया के साथ हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। नहीं अगर ठीक है तो फिर होश क्यों नहीं आया अभी तक, और घर पे कहाँ देखभाल हो पाती है? हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना। रुद्र तुम्हें पता है ना शिवाय कैसे है, बीमार भी होंगे तो भी कहेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ है, उन्हें लगता है कि उनकी तरी देखकर बीमारी भाग जाएगी। रुद्र प्लीज शिवाय को अकेला मत छोड़, मुझे पता है वो यही कहेंगे कि मुझे अकेला छोड़ दो, पर प्लीज तुम अकेला मत छोड़ना प्लीज, वो कितनी भी इज्जत क्यों ना कर ले तुम अकेला नहीं छोड़ोगे। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब भैया के साथ, आप अकेली हैं, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। hmm.
शिवाय लेटर उठ क्यों रहा है? डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए बोला है बेटा। मैं ठीक हूँ। आप सोई क्यों नहीं अभी तक? पुत्र तेरी ऐसी हालत देख के नींद कैसे आएगी? दादी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है आप लोग प्लीज जाइए सो जाइए, रात काफी हो गई होगी। माँ भाभी, जब तुम शिवाय के पास जाओगे तो मुझे एक वीडियो कॉल करोगे, मैं बस शिवाय को एक बार देखना चाहती हूँ। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी कि वो ठीक है तो मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से करना, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं समझ गया, पर आप दोनों का प्यार सिर्फ आप दोनों ही समझ सकते हो और कोई नहीं। मैं आपको अंदर जाके वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ जब आप बीमार होते हो तो आपको अकेले रहना होता है, मैं बस आपको हग करने आया था, कर लूँ? मैं जा रहा हूँ भैया, बाय। शिवाय, रुद्र का फोन है, बेवकूफ है वो भी, अपना फोन यहाँ भूल गया, सारे घर में ढूंढ रहा होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।